Welcome student, let's start our maths class for class 3. Today we will solve multiply. See the page number 150. First question is 20 paisa multiplied by 4. 20 paisa multiplied by 4. 4 se multiply karna hai aapko 20 ko. 4 into 0 equal to 0. 4 into 2 we get 8. 80 paisa, 20 paisa into 4 equal to 80 paisa. Answer will be 80 paisa. B, 15 paisa into 6. 15 paisa multiplied by 6. 15 into 6. 6 into 5, we get 30. We will write here 0, carry 3 to tens place. 6 into 1 equal to 6, 6 plus 3, 9. 90 paisa. Answer will be 90 paisa. Next question is, rupees 24, 10 paisa into 3. 24 rupees 10 paisa multiplied by 3. 24 rupees 10 paise ko 3 se multiply karna hai. 3 into 0, we get 0. 3 into 1, 3. Point. 3, 4, 12. We will write here 2. 3, 2, 6. 6 plus 1, 7. 72 rupees, 30 paisa. जब 24 रुपीस 10 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 72 रुपीस 30 पैसा मिलेगा. मींस आंसर प्रोडक्ट आर 72 रुपीस 30 पैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 रुपीस 25 पैसे बाय 3. 12 रुपीस 25 पैसे बाय 3. 12 रुपीस 25 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 रुपीस 25 पैसा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. वी विल राइट हियर 5, कैरी 1 टू टेंस प्लेस. 3 टू जा 6, 6 प्लस 1 7. 3 टू जा 6, 3 1 जा 3. राइट साइड से टू नंबर्स के आगे हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं. जब रुपीस और पैसे में आपका कन्वर्ट करना रहता है तो 36 रुपीस 75 पैसे. आंसर विल बी 36 रुपीस 75 पैसे. सी द पेज नंबर 152, एक्सरसाइज 55. इसमें आपको डिवाइड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 80 पैसा डिवाइडेड बाय 8. 80 पैसे को 8 से डिवाइड करना है. 8 वन टाइम में 8 को कट करेगा, 0 है तो 80 पैसा डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 10. 80 पैसा को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 10 पैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 पैसा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू डैश पैसा. 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में. मीन्स आंसर विल बी 9 पैसा. 45 पैसा डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 9, सो आंसर विल बी 9 पैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुपीज 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू रुपीज. रुपीज डैश 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 3. क्योंकि 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है तो आंसर आपका 3 होगा. ये रुपीज में है क्वेश्चन, इसलिए हम रुपीज का सिंबल यहां देंगे, क्योंकि जिस सिंबल को दिया रहता है क्वेश्चन में उसे देना नेसेसरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 रुपीज डिवाइडेड बाई 5 रुपीज डैश. 5 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा. मीन्स आंसर विल बी 10 रुपीज 10. आंसर विल बी रुपीज 10. तो इसमें आप डिवाइड करके इसके आंसर को हमें निकालना है.
6 rupees 6 paise divided by 2. 2, 3 ja 6. 6 minus 6, 0. 0. Next number 6, 2, 3 ja 6. 6 minus 6, 0. Answer will be 3 rupees 3 paisa. Answer kya hoga? 3 rupees 3 paisa. Next question is 88 rupees 8 paisa divided by 8. 8 1 ja 8. 8 minus 8, 0. 8, 8 1 ja 8. 8 minus 8, 0. 0. 0 minus 0, 0. 8. 8 1 ja 8. 8 minus 8, 0. Answer will be 11 rupees 1 paisa. 11 rupees 1 paisa. यहाँ पे कितना आंसर होगा? 11 रुपीज 1 पैसा. 88 रुपीज 8 पैसे को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 11 रुपीज 1 पैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 रुपीज 33 डिवाइडेड बाय 3. 96 रुपीज 33 पैसे. 3 3 जा 9. 9 minus 9, 0. 6, 3, 2, ja, 6. 6 minus 6, 0. 3. 3, 1, ja, 3. 3 minus 3, 0. 3. 3, 1, ja, 3. 3 minus 3, 0. Answer will be 32 rupees 11 paisa. यहाँ पे जब भी रुपीज और पैसे में कन्वर्ट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से जो टू नंबर्स होते हैं उनके आगे में हम लोग पॉइंट लगाते हैं. जैसे टू नंबर्स के आगे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे. ये आंसर क्या है, 32 रुपीज 11 पैसा. एक्सरसाइज 56 का आपको पीडीएफ में आंसर भेज दिया जाएगा, आप उससे मैच कर लेंगे. वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कि ऐड करना है, ऐड है और आपका ऐड मल्टीप्लाई और डिवीजन है. ग्रुप ए जो है वो ऐड के क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं जिनको टोटलिंग करके आपको बताना है. तो ये आप पीडीएफ के थ्रू मैच कर लीजिएगा. थैंक यू.